और उनको 10 सीटों की जरूरत है। मैं सुन रही थी कि 9 सीटें और 12 सीटों की जरूरत है, पीटीआई को 12 और इनको 9, तो मगर आपने कहा कि जी 1 सीट अभी कम हो गई है, नहीं, चले। वो इनके कैंडिडेट एक ने रिजाइन कर दिया और एक ने जो है उसकी जाली डिग्री सामने आ गई है और वो सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला पहले ही आ चुका था और उसने पता नहीं, ये अभी पूरी उसकी डिटेल ये मुझे पता नहीं चली, लेकिन ये पता चल गया कि दो लोग इनके जो है वो हो गए हैं। जी तो इससे ये है कि इनके लिए और एक मुश्किल और इनके लिए हो मुझे लग रहा है रहा कि है। सब लोग 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कॉलर का तो मैसेज आ रहा है कि इस पे क्या बात की जाए, अब क्या बोला जाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, और पाकिस्तान के लिए भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैसेजेस कर रहे हैं कि जी अब इस पे क्या बात की जाए, अब तो 17 तारीख के बाद ही हम बात करेंगे, 17 तारीख के बाद ही आएंगे। अंदाजा लगाएं कि बोलना ही नहीं चाह रहे, अपना मैसेज ही देना नहीं चाह रहे। अगर सच बोले ना, हक और बातिल की जंग है, तो आके बात करें ना कि हाँ जी ये होना चाहिए, आपके मैसेज जाएंगे वहां पे, लोगों को पता चलेगा कि ओवरसीज के लोग चाहते क्या हैं, इस वक्त क्या चाह रहे हैं, जिस तरह आप भी तो बता रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। देखो मैं तो जी समझना एक बात जानता हूँ, अगर आप देखें भी तो मुकाबले पे मैं खड़े हैं ना, आखिर आप भी तो जी फोन पे आके बात कर रहे हैं ना, वरना आपके सामने देख लेना कितने कॉलर आते थे, देखो तो आज बात नहीं करना चाह रहे, अभी इंतजार कर रहे हैं कि जी अब 17 तारीख के बाद ही बात होगी। देखें मैं तो समझना एक बात कहूंगा जी कि ये देखिए मुवाजना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई हमें रॉकेट साइंस चीज के लिए कोई जरूरत नहीं है। 3 महीने पुरानी बात है, इमरान खान ने जहां पे हुकूमत छोड़ी थी उससे मुवाजना कर लिया, 3 महीने में इन्होंने क्या हाल कर दिया मुल्क का। और बड़ी आसानी से आप हर जितने भी टारगेट थे वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने अचीव किए। इमरान खान की गवर्नमेंट 6% से जो है लास्ट ये जो आपका ये ईयर था इसमें 6% से वो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और उससे पहले वाले जो सालों में थे एक में 5 पॉइंट और पहला वाला साल उसमें थोड़ी कम थी ग्रोथ। तो ये सूरत हाल थी, हर तरफ से बेहतरी ही की खबरें थी। वो जी महंगाई लोगों को अब महसूस किया ना लोगों ने आके जी कि कितना फर्क था, कितना फर्क था। फिर यहाँ पे ये बात की जाती है कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान क्या कर सकते हैं, इमरान खान ने तो देख लो कि क्या करके दिखा दिया। इतने मुश्किल हालात में आप उसको कहते थे ना तजर्बाकार, ना तजर्बाकार टीम, उसने तो वो परफॉर्मेंस दी। और आप तो 12 जमाते हैं जो तजर्बाकार, 35 साल का तजर्बा आपके पास, तो एक से एक दिमाग पड़ा हुआ था। आप तो मतलब आते ही आपने तो वो काम करने थे जो मतलब पता नहीं क्या क्या कर जाते। आप तो यही वो पत्रों में तो यही कहते थे कि वो 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाता था या 2 रुपए डॉलर बढ़ जाता था, तो आप तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहते थे कि हमें 2 70 रुपए पेट्रोल होना चाहिए और जी डॉलर का रेट और होना अब आप चाहिए। देख लेना कि डॉलर कहाँ पे रुका हुआ है, जाके डॉलर तो देखें कहाँ पे रुका हुआ है। नहीं और नहीं आप ये देखिए देखें, और समझना आप ये समझना देखें कि है ना, कोरोना भी तो देखें, सर चढ़ के बोलने लगा अब तो। आप लोग देखें इस पे तो बात ही नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े पाकिस्तान में। आप जी, देखें अगर पूरी कोरोना दुनिया पे, में केसेस बढ़ पूरी गए, पूरी दुनिया में दुनिया में केसेस केसेस बढ़ बढ़ गए गए। हैं, आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे भी केसेस हैं। आप हर घर में फोन करके देखें तो लोग बीमार बैठे हुए घरों के अंदर जी जी कि जी कोरोना बिल्कुल हुआ है, हमें तो कोरोना हो गया, कितने लोगों से बिल्कुल बात हुई है कि कोरोना हो गया। 12,000 केसेस थे आई थिंक परसों की बात है यहाँ पे जी कनाडा में, अब 12,000 अंदाजा लगाएं केसेस कि थे कोई आज मीडिया तक पे इतने इस मैंने वक्त देखे। बात नहीं हो रही कोरोना के ऊपर, जबकि ये जो आई है वेव बहुत, ये भी बहुत खतरनाक वेव है कि काफी हॉस्पिटलों में जगह है, तो लोग कह रहे हैं कि याद करें आप जो ना आइसोलेट हो जाएं, अगर आपको पता चल जाए कि आपको है ये वायरस लगा हुआ है, तो आप देखें लोगों की आवाजें तक नहीं निकल रही, इतना इन्फेक्शन हुआ है। एक सेकेंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको सबको नाजिम सलाम हो। जी वालेकुम सलाम। जी ये इमरान खान को जो आज तो आप भी लगा बात नहीं कर रहे थे, आप भी चुप बैठे हुए थे कि आप सोचे थे कि जी अब 12-17 तारीख के बाद ही बात करेंगे, आपका भी यही इरादा था, बात नहीं करना चाहते थे। एक सेकंड मेरे साथ रहे, मैं इनको भी साथ ले रही हूँ, ये मेरे साथ ही है। जी जी हमने बोले, हमें एक डॉलर पे सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये कॉलर आए ना, ये बात कर रहे हैं, आप भी साथ ही रहे। जी बोले, जी 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 मैं बोले, बात कर सकता हूँ। जी आप बात कर सकते हैं, बोले। हाँ ये असल में जो पब्लिकली तो इमरान की 20 सीटें हैं, मगर ये जो एजेंसी वाले हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जी डिसीजन आया है इसमें जी आर्टिकल 6 की जो इन्होंने निशानदेही की है, जबकि उसकी कोई अहमियत तो नहीं है, जी मगर आर्टिकल उन्होंने सिक्स की आप कहा गया ना कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये इमरान को मैसेज भेजा है इनडायरेक्टली के हमजा को जितवाना है और हमजा ही जो है ना चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो कुछ भी हो,
मगर ये बेशर्म तो है कि आपके आप पास ये इत्तला कैसे आ गई कि आपने आके यहाँ पे बिल्कुल ऑन ईयर बोल रहे हैं कि आप ये ना उनके पास इत्तला आ गई, एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया इमरान खान को कि हम तो शहबाजी तजिए रहेंगे। सुनते हैं ना, डिफरेंट जो एंकर्स हैं उनके तजिए से यही लग रहा है कि ये जो है ये तो फिर इनको ये अपने अच्छा, देश की अगर आप सरकारी कह रहे हैं प्लान कि को एक बात सुने, आपने कहा कि इमरान खान के पास इत्तला आ गई है एस्टेब्लिशमेंट की कि हम दशाबाजी रहेंगे चाहे पाकिस्तान का नहीं कुछ नहीं भी नहीं बढ़ा, इमरान खान के पास इतना नहीं आई है, मगर फिर ये जो सिम्टम्स जो शो कर रहे हैं जी आज ही कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है और जी इसके साथ ये जो इलेक्शन कमीशन